बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ वीडियो लाइक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी हवेली के पास जो दोस्त ने न्यू घर तैयार किया, उसके घर मेरी आज था काम, मिस्त्री वगैरह उसने लगाया हुआ है। तो उसने मुझे बोला कि हमारे घर जी काम हो, लेकिन जी मेरा मिस्त्री के साथ कोई काम नहीं है, बाकी जो छोटा मोटा काम होगा वो जी उसके घर मैं जाकर तो आज काम करना मैं भी करूंगा, और जिसका घर है वो भी दोस्त जी मेरे साथ रहेगा काम वगैरह करने के लिए, बाकी मिस्त्री भाई जी अलहदा काम करेंगे। अभी घर जी मुकम्मल तैयार हो गया, तो घर में सीमेंट वगैरह हो रहा, बाकी जो भी हमें काम मिला वो जाके जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करेंगे। ये देखो जी, ये ममटी वाला जी घर है जी, माशाल्लाह रहा घर, और अभी अंदर से जी प्लस्तर वगैरह हो रहा है। माशाल्लाह जी मजदूर भाई आ गए, मिस्त्री भाई नहीं है ये, तो अभी आ गए इन्होंने जी अपना काम शुरू कर दिया सीमेंट वगैरह लाने का। तो ये जी माशाल्लाह रहे कमरे अंदर से कुछ, ये आप लोग देख सकते हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह प्लस्तर वगैरह शुरू कर दिए क्या आप लोग देख सकते हैं। पीछे वाले तीन चार कमरों का ही प्लस्तर बड़ा हो गया, ये कमरे का भी, ये का भी, ये जाकर मुकम्मल तौर पर नीचे बस फर्श डालने वाला रहता, बाकी जी इस कमरे में भी जी फर्श डालने वाला रहता, और अभी जी ये सेम रहता और नीचे वाला साथ वाला कमरा भी हो गया। तो अभी मजदूर भाई आ गया, ये मजदूर भाई जी मिस्त्रियों के साथ काम करेंगे, और मेरा काम जी और मतलब की रोटी वगैरह कूटने का और जो भी काम मिला वो हम लोग जी दूसरा काम करेंगे। बाकी जी इधर से गई है जी छत पे पौड़िया, ये देखो जी माशाल्लाह ऊपर से छत का कुछ इस तरह काम हो रहा जी माशाल्लाह जी। ये जी ऊपर ममटी वगैरह जी बना दी गई है दोस्त ने जी, पहले अपने मकान कच्चे बनाए थे मतलब टीयर गार्डर वगैरह डाल के, तो जितने भी टीयर निकले थे वो सामने आप लोगों के रखे हुए, ये चक्कर ये सारे टीयर निकले, बाकी जो गार्डर वगैरह थे वो मुझे लगता कि दोस्त ने जी सेल कर दिए। ये जी इधर बाहर सेन के करीब जी बैठक रही, आप लोग देख सकते हैं बैठक भी मुकम्मल तौर पर प्लस्तर वगैरह हो गया, सिर्फ एक ये दीवार रहती है, बाकी ममटी अंदर से भी जी ये भी कर दी गई है, और वॉशरूम रहता जी अभी प्लस्तर होने वाला, वैरन वगैरह जी मुकम्मल तौर पर घर में जी कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मुझे जो काम मिला वो है कि जितने भी कमरे हैं उनमें जी जितनी मिट्टी बिखरी हुई है उनको जी लेवल वगैरह करना, बाद में रोटी कूट के तो उनमें जी भर देनी है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जो काम बाहर वाला होगा वो मजदूर भाई जी मिस्त्रियों के साथ जी कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस कमरे में जी ये चक्कर मिट्टी के टिब्बे वगैरह है, तो सारी मिट्टी को जी कमरे में लेवल करना, बाद में रोटी वगैरह इसमें जी भर देनी है। तो जिस दोस्त का घर है जी वो भी बाहर गया, वो आएगा तो वो भी मेरे साथ काम लगेगा, लेकिन अभी अपना काम जी शुरू करते हैं, मैं जी शुरू करने लगा हूँ माशाल्लाह जी, कई जी मेरे पास आ गया, तो अभी अपना काम जी शुरू करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये काम वगैरह मुकम्मल तौर पर जी शुरू कर दिया, सारे कमरे में जी मिट्टी वगैरह को लेवल करना, जहाँ से ऊंची हो उधर से जी दूसरी जगह पर जी मिट्टी लेकर जाना। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मिनटों में मैं सारे कमरे में जी मिट्टी बराबर कर दूंगा लेवल वगैरह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी आप लोग देख सकते हैं कि कमरे में मुकम्मल तौर पर जी मिट्टी लेवल कर दिया मैं और भाई ने, ये चेक करो जी। तो अभी ये भाई जान बाहर से लेकर आए दो दमुस्से, हम लोग जी पहले दमुस्से से मिट्टी को दबाएंगे ताकि अच्छी तरह मिट्टी बैठ जाए। एक कमरा जी तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे हम दोनों भाइयों ने जी कमरा वगैरह लेवल कर दिया, लाइट गई थी इसलिए अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था, अभी जी हम लोगों ने बल्ब वगैरह भी लगा लिया माशाल्लाह जी, मुकम्मल तौर पर मिट्टी को जी दबाया जा रहा है। माशाल्लाह जी अभी हम दोनों भाई मुकम्मल तौर पर कमरे को लेवल वगैरह कर लिया, तकरीबन थोड़ा सा रह गया बाकी, हम लोगों ने सारा कमरा जी लेवल कर दिया, आप लोग देख सकते हैं ये कितनी स्पीड में हम लोग जी लगे हुए ये काम करने के लिए। माशाल्लाह जी आप लोग देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर हम लोगों ने जी लेवल वगैरह इस कमरे का कर दिया, ये चेक करो जी। अभी भाई जी दूसरे कमरे में लाइट ला गया, अभी दूसरे कमरे को भी ऐसे करना, तकरीबन जी तीन चार कमरे हैं तो उनका काम भी ऐसे लेवल वगैरह मिट्टी को जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जी कर देना, बाद में इधर रोड़ी ला कर उसको जी ब्रीक काल के तो सारे कमरे में जी बिछा भी देंगे, तो अभी साथ वाले कमरे का भी करते हैं वो करके फिर आप लोगों को जी मिलते हैं। ये देखो जी पास वाला कमरा पहले कैसा, अभी इसको जी लेवल वगैरह करके फिर आप लोगों को जी मिलते हैं। माशाल्लाह जी पहले की नस्बत अब कमरा चेक करो जी, मिनटों में मैंने सारी मिट्टी बराबर कर दी मतलब के लेवल वगैरह कर दिया, आप लोग जी देख सकते हैं ये सामने वाला कमरा भी हो गया, ये वाला भी, अभी वो वाला करने जाता और ये एक पास वाला, बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दो घंटे हो गए मिस्त्री भाई आ गया, वो जी दूसरे कमरे में प्लस्तर वगैरह कर रहे हैं, तो मैं इधर जी अपना काम कर रहा हूँ, जो सारा दोस्त था वो बाहर चला गया उसे कुछ काम था, तो अभी जी मैं अकेला लगा हुआ इस कमरे में जी काम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर ही अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं मिस्त्री भाई दो आए हैं, तो वो दरअसल से काम लगे हुए हैं, आधी दीवार काट दिया आधी भी रहती है प्लस्तर वगैरह का काम जी,
पुली दरादर के साथ ही शुरू हुआ, आप लोग जी देख सकते हैं माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये कमरा भी मैंने जी सारा लेवल कर दिया मिट्टी वगैरह जी। तो कमरे के बाहर ये जहाँ आप लोग देख सकते हैं कि रोड़ी वगैरह पड़ी है, मतलब कि जो इंडे जी टूटी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह का मैं लगा हुआ तीन कमरे मैंने जी लेवल कर दिया। अभी ये जो रोड़ी बाहर पड़ी है ये जी रेडीमेड डालते हैं और कमरे में डाल के उसको जी ब्रेक वेड करके तो सारे कमरे में बिछा देनी है। तब जी अगला काम को अपना शुरू कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जी सुबह का लगा हुआ पसीना वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो खैर अभी आप लोग देख सकते हैं कितनी रोड़ी है, ये जी रेडीमेड डालते हैं। तो सबसे पहले जी ये बर्ची का ना छोटा कमरा, इसका जी काम शुरू करते हैं। इधर जी रोड़ी वगैरह डाल के उसको ब्रीफ वगैरह काट के तो सारे कमरे में भी बिछाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। रोड़े वगैरह भर के रेडी में तो कमरे में जी डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी दोनों कमरे में मैंने जोड़ी वगैरह बिखेर दिया। ये देखो जी इस कमरे में तकरीबन 4 से 5 एरिए मैंने डाल दिया, लेकिन जब इस रोड़ी को ब्रीक नहीं करना पहले जी इस कमरे में, फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पैंग किया। तो भाई जान और मैं लगे हुए हैं जी, ये मैंने ही 2 डेढ़िया की है और इधर 2 भाई ने। तो अभी धराधार से हम लोग जी लगे हुए जी इसको ब्रीक करने के लिए। नीजा दी भैया माशाल्लाह जी एक कमरे में रोड़ी वगैरह ब्रीक कर दी गया। तो अभी रह जी दूसरे कमरे के बाद, इसमें अभी जी आधे से ज़्यादा रोड़ी ब्रीक कर दी है, सिर्फ ये रहती है। तो अभी जल्दी से काम खत्म करते हैं और फिर निकलेंगे जी घर की तरफ। ये देखो जी माशाल्लाह इधर से भी काम खत्म हो गया, सारी रोड़ी जी ब्रीक कर दी और इधर से भी। अभी शाम का वक्त हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी निकलते हैं घर की तरफ। तो आज का ब्लॉग जी तरीके करते हैं खत्म और मुझे कमेंट में ला दी बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल के बटन को दबा दी ताकि मेरी नई वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुक्रिया।